ओम शिवाय नमः। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आए हुए हैं। कुछ लोगों ने पूछा है कि मैं पहले ज्यादा खुश रहता था, अब मैं खुश नहीं रह पाता। कुछ लोगों ने पूछा है कि मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं खुश नहीं रह पाता। किसी ने पूछा है कि पहले मेरे पास धन नहीं था इसलिए मैं दुखी था, अब धन आ गया है तो दुख और बढ़ गए हैं, इनसिक्योरिटीज और बढ़ गई हैं और खुश नहीं रह पाता हूँ। तरह तरह से लोगों ने एक ही चीज को पूछा है। बेसिक चीज एक ही है, सबका जो अंडरलाइन क्वेश्चन है वो एक ही है कि आदमी खुश क्यों नहीं रह पाता है, आखिर क्या हो गया हमें। तो एक बहुत ही जरूरी सवाल है। और एक ह्यूमन बीइंग के लिए इसका जवाब पाना बहुत ही जरूरी है अगर आदमी अपने जीवन को सचमुच जीना चाहता है तो। तो आदमी खुश क्यों नहीं है, हम खुश क्यों नहीं है, इसका अगर एक लाइन में कहा जाए तो जवाब एक ही है, और जवाब यह है कि हमने अपनी अंतरात्मा की प्यास को शरीर की प्यास समझ लिया है। अंदर की प्यास को हमने बाहर की प्यास समझ लिया है, आत्मा की प्यास को हमने शरीर की जरूरतें समझ लिया है। हम शरीर पर ही पानी डाले जा रहे हैं दिन रात डाले जा रहे हैं, लेकिन शरीर पर पानी डालने से अंदर की प्यास नहीं बुझेगी, अंतरात्मा की प्यास नहीं बुझेगी, आत्मा की प्यास नहीं बुझेगी। तुम तरह तरह के पानी डालते हो इस शरीर पर, धन का पानी, पद का पानी, प्रतिष्ठा का पानी, मान सम्मान का पानी, पावर का पानी और न जाने क्या क्या पानी, लेकिन मानव जाति के इतिहास में आदमी ने यही पाया है कि इस तरह के पानी शरीर पर डालने से आत्मा की प्यास नहीं बुझ सकती, और जब तक तुम्हारी आत्मा की प्यास नहीं बुझेगी तुम कभी खुश नहीं हो सकते। आत्मा की प्यास बुझाने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा धन दौलत, पद प्रतिष्ठा या किसी भारी चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हम कारण ही भूल गए हैं कि हमारी प्यास शांत क्यों नहीं हो पाई। हमने बार बार देखा है, दूसरों को भी देखा है, खुद भी करके देखा है, खुद भी धन कमाया हमने, दूसरों को भी धन कमाते हुए देखा और पाया कि उनको भी, उनकी प्यास भी शांत नहीं हुई। पहले कुछ दूसरों के एग्जाम्पल ही हम आपको दे देते हैं।
जैसे ले लीजिए कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स ले लीजिए, अमेजोन के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ फाउंडर ऑफ अमेजोन, दुनिया का ऑलमोस्ट सबसे अमीर आदमी, उसने छोटा बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस बढ़ता गया, काफी बड़ा हो गया, बहुत पैसे कमा लिए। बहुत भोगा, डाइवोर्स भी हो गया, राइट। उसके बाद स्पेस में भी रॉकेट राइड करके स्पेस में भी घूम के आ चुका है, अंतरिक्ष में घूम के आ चुका है, लेकिन वो चाहे पूरा ब्रह्मांड घूम के आ जाए, वो ऐसा ही रहेगा। उससे क्या फर्क पड़ता है तुम प्लेन में घूम लिए या रॉकेट में घूमाए या अंतरिक्ष तक घूमाए या चांद तक घूमाए या मंगल ग्रह तक घूमाए या यूनिवर्स तक घूमाए और फिर वापस आ गए, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम तो वही रहे, वैसे ही रहे, तुम्हारी आत्मा को तो संतुष्टि नहीं मिली, शरीर को तो प्लेजर हुआ, लेकिन जो बेसिक प्यास थी वो तो नहीं बुझ पाई। बिल गेट्स ले लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स ले लीजिए, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, सालों से सबसे अमीर आदमी रहा है दुनिया का, बुढ़ापे में डाइवोर्स हो गया, क्योंकि बाहर की चीजों से नहीं मिल सकता जो उसको चाहिए, जो हमारे जो अंदर का जो डायमेंशन है, इनर डायमेंशन जो है, उसकी प्यास बाहर की चीजों से नहीं बुझ सकती। क्योंकि आदमी तो बाहर की प्यास बुझाने में लगा रहता है, शरीर की प्यास बुझाने में लगा रहता है, तरह तरह के उत्पात करता है, धन कमाने के लिए पता नहीं क्या क्या करता है, उल्टे सीधे काम करता है, धन कमाने के बाद भी इसको तृप्ति नहीं मिलती, पहले लाखों कमाने का टारगेट होता है, फिर करोड़ों में टारगेट बन जाता है, फिर बिलियंस में टारगेट बन जाता है, बस सिर्फ टारगेट चेंज होता है और कुछ चेंज नहीं होता, बल्कि उस स्टेटस को, बढ़े हुए स्टेटस को मेंटेन करने में, सस्टेन करने में, टॉप पे डटे रहने में उसको इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि अपना बहुमूल्य जीवन उसमें गंवा देता है, धन को भी भोगता है, शराब मद्रा सब भोगता है, एक से बढ़कर एक सुंदर स्त्रियों का भोग करता है, लेकिन प्यास नहीं बुझ पाती। उसको लगता है इससे नहीं बुझी तो दूसरे से बुझेगी, दूसरी स्त्री से नहीं तो तीसरी स्त्री से बुझेगी, लेकिन प्यास नहीं बुझ पाती है, क्योंकि वो तो शरीर बदल रहा है, केवल शरीर बदल रहा है, कैसे प्यास बुझेगी? कितने इतिहास उठाकर देख लो, इतने सारे विदेशी आक्रमणकारी आए भारत में, नादिर शाह ने बहुत सारे हजारों लोगों को मारा काटा, लूट, इतना ज्यादा खजाना लूट के ले गया कि रास्ते में उस खजाने को देखकर वो पागल हो गया,
हिटलर ने बहुत दुनिया को जीता, सुसाइड करना पड़ा। कोई भी कितनी भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए, क्योंकि हम सब की जो यात्रा है वो हमने हमारी यात्रा केवल मेटेरियलिज्म के लिए कर रही हुई है, कंज्यूमरिज्म के लिए हमारी हमने अपनी यात्रा करी हुई है। हमने मेटेरियलिज्म कंज्यूमरिज्म को ही जीवन समझ लिया है। बहुत सारा बैंक बैलेंस, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, ये वो, इन्हीं को हमने सुख समझ लिया, इन्हीं को हमने जीवन समझ लिया है। और आखिरी में इनको कमाते कमाते आखिरी में मनुष्य को रियलाइज होता है कि तृप्ति तो नहीं मिल पाई, क्योंकि तृप्त किसी और चीज को करना था, लेकिन हम केवल शरीर को ही तृप्त करने में लगे रहे। तृप्त अपने आप को करना था, अपनी अंतरात्मा को करना था, अपनी आत्मा को करना था, लेकिन शरीर को ही तृप्त करने में लगे रहे। बड़ी भारी भूल हुई, लेकिन तब तक जीवन गुजर चुका होता है। पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता है। ध्यान रखना, यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि हमें मेटेरियलिज्म या कंज्यूमरिज्म को छोड़ देना चाहिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के साधु संत बन जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो साधु संत बन के चले गए हैं, भाग गए हैं, हिमालय में चले गए हैं, वो भी खुश नहीं है। तृष्णा तो अब वो कहीं भी चले जाएं, तृष्णा उनकी वहीं पर रहती है। तृष्णा तो उनके अंदर की है, प्यास अंदर की ओर रहेगी। चाहे आप हिमालय में चले जाएं, चांद पे चले जाएं, घर बार छोड़ दें या ना छोड़ें, जब तक वो प्यास नहीं बुझेगी, आप कुछ भी बन जाइए, साधु बन जाइए, संत बन जाइए, राजा बन जाइए, जब तक अंदर की प्यास नहीं बुझाओगे, तब तक खुशी नहीं मिलेगी, संतोष नहीं मिलेगा, हैप्पीनेस नहीं आएगी। आपको एक बैलेंस रखना है जीवन में। अंदर की प्यास भी बुझानी है और बाहर की प्यास भी बुझानी है। आत्मा की प्यास भी बुझानी है, शरीर की प्यास भी बुझानी है, तभी खुशी का अनुभव कर पाओगे। पर दुर्भाग्य यह है कि इंसान ने केवल अपनी जो यात्रा है वो केवल बाहर की प्यास बुझाने में ही लगा रखी है, शरीर की प्यास बुझाने में ही लगा रखी है। और उसका नतीजा यह है कि एक से बढ़कर एक सनकी इस दुनिया में पैदा हो गए हैं। पागलपन का भूत सवार हो गया है हर आदमी पे, राजा से लेके रंक तक, सब पे एक ही भूत सवार है। लूट लो, खसोट लो, इकट्ठा कर लो, भोग लो, छीन लो, सब पे एक ही भूत सवार है। आम आदमी की बात नहीं, बड़े बड़े लीडर्स की भी बात है। चाइनीज प्रेसिडेंट को ले लीजिए, इंटरनेशनल भूमाफिया, दूसरों कि जमीन हड़प लो, दूसरों पे कब्जा कर लो, मतलब एक देश दूसरे, कोई ऐसा देश नहीं जो एक दूसरे की जमीन हड़पने के चक्कर में ना हो। कोई बचाने में लगा हुआ है, कोई हड़पने में लगा हुआ है। दादागिरी, गुंडागिरी, क्योंकि आदमी तो वही है, वो प्रेसिडेंट बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, उससे क्या फर्क पड़ता है, उसकी बेसिक तृष्णा तो वही है। तो दूसरों की जमीन हड़पने की कोशिश करेगा, उस दूसरों पे एग्रेशन दिखाएगा। आप बड़े बड़े देश हथियार इकट्ठे किए जा रहे हैं,
आप किसी देश के प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, तो आप न्यूक्लियर वेपन इकट्ठे करे जा रहे हो, मिसाइल इकट्ठे करे जा रहे हो, एक दूसरे को डरा रहे हो। देश दुनिया का ऐसा कौन सा कौन है जहां पे मिसाइल टेस्ट, एटॉमिक टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट यहाँ पे जहां पे नहीं हो रहे हैं, और वो भी एक दूसरे को डराने के लिए। जमीन तो छोड़ो, समुद्र में भी ये भला शुरू हो गया है। क्या चीन, क्या अमेरिका, क्या रशिया, क्या नॉर्थ कोरिया, क्या पाकिस्तान, आई मीन एवरीबॉडी जस्ट इन द सर्च ऑफ ग्रैबिंग द मटेरियल, लैंड, मनी, पावर, पोजीशन, कंट्रोल, क्योंकि उनको लगता है शायद ये सब पाके हम खुश हो जाएंगे। चाइनीज प्रेसिडेंट को भी लगता होगा शायद पूरी अर्थ का प्रेसिडेंट बन के मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन वो उसकी भूल है। वो भी एक संकी की मौत मरेगा, जैसे भूतकाल में भी बहुत सारे तानाशाह मरे हैं। तो यानी इंटरनेशनल पीस, कोऑपरेशन, ये सब चीजें अब कागजी चीजें लगती हैं। अब दुनिया ऐसे लगता कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, चाहे मिसाइल से, चाहे न्यूक्लियर बॉम्ब से, चाहे सिविल वार से, आई मीन एवरीथिंग इज इन दैट ब्लाइंड रेस। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट ब्लाइंड रेस, राइट। तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स ही नहीं, देशों के जो नहीं बन पाए, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह नहीं बन पाए, मिनिस्टर नहीं बन पाए, नेता नहीं बन पाए, या और कुछ नहीं बन पाए, तो आतंकवादी बन गए। आतंक के सारे छीनेंगे, आतंक के सारे कब्जा करेंगे, दुनिया को दहलाएंगे, मारेंगे, निर्दोषों को मारेंगे, डराएंगे, क्योंकि आदमी वही है, तृष्णा वही है, शरीर की तृष्णा। तो रास्ते अलग अलग हैं केवल, दुनिया सिविल वार एक कॉमन चीज हो गई है। कौन सा कोना नहीं है इस दुनिया का जहां सिविल वार नहीं हुआ हो या नहीं चल रहा हो, इधर उधर कभी आज यहां अगले साल वहां। क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स में आ गए, राजनीति में आ गए, वो लीगली अपना लूट खसोट करते हैं, अपनी शरीर की तृष्णाओं को शांत करने की कोशिश करते हैं, करप्शन करते हैं, हजारों करोड़ इकट्ठा करते हैं, कुछ जेल चले जाते हैं, कुछ बच जाते हैं, लेकिन प्यास तो उनकी भी शांत नहीं हो पाती। वो भी प्यासे ही चले जाते हैं, कुछ एक इक्के दुक्के ही होते हैं जो अपने अंदर की प्यास भी बुझा लेते हैं और अपने शरीर की प्यास भी बुझा लेते हैं और जिंदगी को एक बैलेंस करके जी के चले जाते हैं। बाकी जो तो इसी भूल भुलैया में लगे रहते हैं, लूट लो, जिसका जहां मिले लूट लो, इकट्ठा कर लो। दूसरों पे क्या प्रभाव पड़ता है, एनवायरनमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है, बाहर में जाए एनवायरनमेंट। तो जो इतना हमने शरीर को सुख देने के लिए इतना जो हमने जो टेक्नोलॉजी बनाई, सुख सुविधाएं भोगी विकास के नाम पे, और एनवायरमेंट को डैमेज करके ग्लोबल वार्मिंग किया, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हुआ है अब उसका भुगत रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से कहीं बाढ़ आई हुई है, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं
फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लगी हुई है, कहीं सूखा पड़ा हुआ है, कहीं भुखमरी है, कहीं अकाल है, गर्मी बढ़ती जा रही है, तो ये सब आदमी की जो अंधी दौड़ है मेटेरियलिज्म से, कंज्यूमरिज्म से, अपने शरीर की तृष्णाओं को भोगने की जो इच्छा, उन्हीं सब का नतीजा है। बच्चे भी जो देखते हैं वही करने लगते हैं। हमारे हमें एजुकेशन भी ऐसी ही मिलती है। एजुकेशन भी हमारे अंदर की प्यास की कोई बात नहीं करती। इनर डायमेंशन, इनर वेलबींग, सेल्फ की बात नहीं करती, ध्यान योग की बात नहीं करती, मेडिटेशन योग की बात नहीं करती, अंतरात्मा को कैसे शांत किया जाए, उसके तरीका क्या है, उसकी बात नहीं करती। तो बच्चे बच्चों के भी लगता है कि जो बाहर की जो दौड़ है, अंधी दौड़ है, मेटेरियलिज्म की जो दौड़ है, वही नॉर्मल है, वही सच है, और ये सब बस चलता रहता है। तो बेसिकली बुद्ध ने कहा था कि ये आपकी तृष्णा, डिजायर्स आर काज ऑफ योर सोरोज। तो बुद्ध ने उसको बहुत समराइज करके बताया, योर डिजायर्स आर काज ऑफ योर सोरोज, यानी आपकी तृष्णा ही आपके दुखों का कारण है। और आपकी तृष्णा क्यों है? आपकी तृष्णा है आपके, आपकी सारी तृष्णाएं घूमती है काम पे, आप अपने काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार को तृप्त करने के लिए जो कुछ करते हो वही तुम्हारी तृष्णा है। तुम्हारे सारी एक्टिविटी अपने काम को शांत, ये क्रोध क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब काम को शांत करने के ही तरीके हैं। धन इकट्ठा करना, पावर पोजीशन, ये वो, ये सब काम को शांत करने के तरीके हैं कि मेरे पास धन होगा तो मैं भोगूंगा, काम को भोगूंगा। राइट? तो इट इज जस्ट लाइक सिगमंड फ्रायड, द फादर ऑफ साइकोलॉजी, सेड दैट मैन, मैन इज ह्यूमन बींग्स इज ए बंडल ऑफ सेक्स एंड एग्रेशन। ओके, इट इज कॉल्ड हेडोनिस्टिक अप्रोच। हेडोनिस्टिक मतलब आदमी की हर चीज सेक्स के लिए है, वो हर जो भी करता है वो सेक्स के लिए करता है, भोगने के लिए करता है। इड जिसको बोलते हैं, इड इड ईगो सुपर ईगो का कंसेप्ट दिया था उन्होंने, सिगमंड फ्रायड ने। लेकिन ये भी एक अधूरी अप्रोच थी, बाद में दूसरे साइकोलॉजिस्ट जो साइकोलॉजिकल साइंटिस्ट जो उन्होंने बताया, नहीं, मैन इज मोर देन दैट, देयर इज अ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच एंड सो दैट इन्वॉल्व्स द इनर बीइंग, द इंडिविजुअल, द इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच, द समथिंग बी इन अदर देन सेक्स एंड एग्रेशन। So, and that is the needs of love. But psychology also failed to clarify it, what kind of love. So basically, इंसान ने बहुत भोगा लेकिन उसको कभी अनकंडीशनल प्यार नहीं मिला। अनकंडीशनल प्यार मतलब बेशर्त प्यार, जो आपको करे वही सच्चा प्यार होता है। अनकंडीशनल प्यार केवल माँ अपने बच्चे से कर सकती है,
लेकिन आजकल तो वो भी लगता है डाइल्यूट हो गया है। माँ को भी लगता है कि बच्चा बड़ा होके मेरी सेवा करेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, उसमें भी कहीं ना कहीं मिलावट होने लगी है, हेडोनिज्म आ गया है उसमें भी, कहीं ना कहीं आ गया है। क्योंकि जैसे आप हो, अच्छे बुरे, अमीर गरीब, वैसे आपको उसी स्थिति में आपको कोई प्यार करने वाला मिले, अनकंडीशनली प्यार करने वाला मिले बिना कंडीशन के, तो शादी भी जो होती है तो वो तो कंडीशन पे होती है कि लड़का कितना कमाता है, कितने पैसे हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, इट्स कंडीशनल। प्यार भी सामने वाले को ये देख के हो जाता है कि वाह बहुत अमीर है, बड़ी घर है, बड़ा बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, धन है, पैसा है, सब कुछ है, प्यार हो जाता है। अधिकतर सर लड़का भी, लड़की अमीर है, इंटेलिजेंट है, पैसे वाली है, जॉब करेगी, कमाएगी, लड़की भी एक्सपेक्ट करते हैं, लड़की अमीर है, अच्छा धन भी मिलेगा, ये भी लड़की भी एक्सपेक्ट करते हैं, लड़कियां भी एक्सपेक्ट करती हैं। सो इट्स ऑल कंडीशनल लव कि आपको प्यार मिल रहा है कंडीशंस पे, अगर आप अमीर हो तो प्यार मिलेगा, या कुछ और ज्यादा खूबी है, अल्टीमेटली आपके पास मेटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज हैं या नहीं तभी प्यार मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। आप बहुत भाग्यशाली हो अगर आपको अनकंडीशनल प्यार मिल जाता क्योंकि अनकंडीशनल प्यार केवल परमात्मा का होता है। परमात्मा आपसे बिना शर्त के, बिना किसी शर्त के आपसे प्यार करता है। आप उस परम पिता परमात्मा को एक बार अपने आप को समर्पित कर दीजिए, वो आपको गले से लगा लेगा, जैसे माँ अपने बच्चे को गले से लगा लेती है। बच्चा बहुत शरारते करके आता है, कीचड़ में लिपट के आता है, कपड़े फाड़ के आता है, खेल के आता है, तो माँ को थोड़ा गुस्सा तो आता है, लेकिन माँ फिर भी उसका कीचड़ साफ करके अपने बच्चे को प्यार से गले लगा लेती है। ऐसे परमात्मा है कि बड़े बड़े पापियों को भी माफ करके गले लगा लेता है, अगर सच्चे मन से परमात्मा से, परमात्मा की शरण में आप चले जाते हो, अपने कुकर्मों का पश्चाताप करके अपने आप को उस परम परम आनंदमय अनंत परमात्मा को समर्पित कर देते हो, सर्वव्यापी परमात्मा, निराकार सर्वव्यापी जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, हमारे चारों तरफ, हमारे अंदर, हमारे चारों तरफ, बाहर, हर जगह जो चेतना है उसको समर्पित कर देते हो, तो वो आपको, आप तो वो आपकी अंतरात्मा को शांत करता है। और ध्यान करके, सच्चे मन से ध्यान करके आप उसको समर्पित करते हो, योग करके अपने आप को उसको समर्पित करते हो, तो आपको अपनी अंतरात्मा को तृप्ति मिलती है, आपको अपनी आत्मा को शांति मिलती है, खुशी मिलती है, सच्चा आनंद आता है, सुख नहीं आनंद आता है, आनंद ब्लिश होती है, प्लेजर नहीं ब्लिश आता है, प्लेजर शरीर को आता है, ब्लिश आत्मा को आता है। साइंटिस्ट भी मानते हैं, मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि नींद के टाइम पर ऐसा कुछ होता है जो हमें पता नहीं होता कि क्या होता है, और हम कि अंदर जो होता है कॉन्शियसनेस, हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस होती है, जो चेतना होती है, वो कहाँ चली जाती है, उसका क्या हो रहा होता है हमें नहीं पता,
मनोवैज्ञानिक मशीन लगाकर, दिमाग पर मशीन लाकर छोड़ देते हैं, और एक स्टेज के बाद नींद में वो मशीन भी काम करना बंद कर देती है, ब्लैंक दिखाती है कि अब पता नहीं क्या हो रहा है। सो इट मीन्स देयर इज समथिंग, कुछ है जो शरीर, जैसे शरीर को शरीर को तृप्त करने के लिए हम खाना खाते हैं, ऐसे ही अंतर आत्मा को चार्ज करने के लिए, अंतरात्मा को रिचार्ज करने के लिए, अंतरात्मा को तृप्त करने के लिए, अंतरात्मा को आनंदित करने के लिए परमात्मा ने कुछ मैकेनिज्म बनाया हुआ है, जो नींद के समय हमारी अंतरात्मा उस अनंत परमात्मा से जुड़ जाती है और आनंद में फील करती है, रिजुविनेटेड फील करती है। तभी आप सुबह उठते हो तो आप फ्रेश फील करते हो अपने आप को, क्योंकि नींद में केवल आपका शरीर ही रेस्ट नहीं करता, आपकी आत्मा भी। रिजुविनेट करती है, लेकिन वो रिजुविनेशन इतना ज्यादा नहीं होता जो आप ध्यान से, मेडिटेशन से या योग से कर पाते हैं। तो ये है कि यात्रा आपको अपने अंदर की करनी है, क्योंकि बाहर की यात्रा तो केवल काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की यात्रा है, सब कंडीशनल है। आप अपना परिवार ही ले लीजिए, सबसे ज्यादा दुख आपको कहां से मिलता है? सबसे ज्यादा दुख आपको अपने भाई बहनों से, बेटे बेटी से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, जो आपके करीबी होते हैं, सबसे पहले उन्हीं से दुख मिलता है आपको, क्योंकि आप उनसे कुछ अपेक्षाएं करते हैं, वो आपसे कुछ अपेक्षाएं करते हैं, और जब अपेक्षाएं टूटती हैं, अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं, तो एक दूसरे को दुख पहुंचता है। और अपेक्षाएं भी धन संपत्ति, काम क्रोध लोभ मोह को शांत करने की अपेक्षाएं, इस कलयुग में तो धन संपत्ति के लिए बच्चे माँ बाप का कत्ल कर देते हैं, माँ बाप बच्चों को मार देते हैं, झूठे मान सम्मान के लिए ऑनर किलिंग हो जाती है। तो सब कुछ कंडीशनल आपको मिला हुआ है, हमारी सोसाइटी ने सब कुछ कंडीशनल कर दिया है, तो कहां से आप तृप्त हो पाएंगे? अनकंडीशनल आपको कुछ मिलता ही नहीं है, अनकंडीशनल दूसरा तो आपको कभी देता नहीं है, क्योंकि सोसाइटी, मानव का जो इतिहास है, बुद्ध के बाद से अनकंडीशनल आपको मिलना बंद हो गया है। तो इसलिए तो बुद्ध के टाइम पे हजारों लोग एनलाइटनमेंट को प्राप्त हुए, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हुए, आनंदित रहे, जंगलों में रहते थे, साधारण जिंदगी जीते थे, खुश रहते थे। लेकिन आज इतनी सुख सुविधाएं होने के बावजूद, आज एक आम आदमी के पास इतनी सुख सुविधाएं होती हैं जो हजार साल पहले राजाओं के पास नहीं होती थी, 500 साल पहले बड़े बड़े राजाओं के पास नहीं होती थी। बुद्ध के टाइम में तो बैलगाड़ी सबसे बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी, आज वही बैलगाड़ी ने प्लेन का रूप ले लिया, कार का रूप ले लिया, तरसना बस शिफ्ट हुई है बैलगाड़ी से प्लेन के लिए, बैलगाड़ी से कार के लिए, इतना ही फर्क पड़ा है। तो गुफा में रहकर जितना आदमी खुश था, नेचर के करीब था, स्वस्थ रहता था, आज बड़े बड़े आलीशान घरों में रहके, हवाई जहाज में घूम के भी खुश नहीं है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, भागे जा रहा है, और तब तक भागता रहता है जब तक शरीर साथ नहीं छोड़ देता, जब तक हिम्मत टूट जाती है भागने की, तब तक भागता रहता है,
और जब बेहोश ही भागता रहता है कि मैं क्या कर रहा हूं, पता नहीं है क्यों कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं। और जब तक होश आता है तब तक जीवन बीत चुका होता है। तो ये तो आपको सोचना है कि आप खुश क्यों नहीं हैं, कहां कमी है, कहां भूल हो रही है। कुछ पल अपने लिए भी जीना स्टार्ट कर दीजिए, अपनी अंतरात्मा के लिए जीना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ पल 24 घंटे में 5 मिनट 10 मिनट अपने लिए भी जीना स्टार्ट कर दीजिए। अपने आप को देखिए, जस्ट फील योर सेल्फ, ऑब्जर्व योर सेल्फ, ऑब्जर्व योर सेल्फ, जिसको हम बोलते हैं कि आत्म साक्षात्कार कीजिए। अपने आप को देखिए, महसूस कीजिए कि आखिर कौन हूं मैं, क्या है मेरे जीवन का उद्देश्य। ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। आपको अपने इनर बीइंग का जब होश आने लगेगा तब आपको लगेगा कि यस, दैट कि आप केवल शरीर नहीं हैं। शरीर तो आपका व्हीकल है, ड्राइवर आपके उस व्हीकल के अंदर है। ड्राइवर कार नहीं है, कार अलग है, ड्राइवर अलग है, आपका शरीर अलग है, आप अलग हो, आप बस इस शरीर में रहते हो, इतना ही मान लीजिए। लेकिन समस्या यह है कि आपको अभी तक यही पता नहीं कि आप शरीर के अलावा भी कुछ और हो। आपने तो शरीर को ही सब कुछ माना हुआ है, इसलिए तो अंधी दौड़ है, चाल चला रखी अंधी दौड़, पागल पागलों की दौड़ में सब पागल, फिर उसके पागलों के पीछे पागल हो जाते हैं। तो खुद भी अपने आप को, अपनी अंतरात्मा को साक्षी होकर देखिए। जस्ट बिकम अवेयर ऑफ योर सेल्फ। जिस दिन अपनी अवेयरनेस आपको आ जाएगी, उस दिन आपके दुख दर्द अपने आप डिजोल्व होते जाएंगे, सबलाइम हो जाएंगे। फिर आपके क्वेश्चन उठने बंद हो जाएंगे कि मैं दुखी क्यों हूं। फिर आप सुखी होना स्टार्ट कर देंगे, चाहे गरीब हो अमीर हो। सारी आपकी इनसिक्योरिटी खत्म हो जाएंगी, असुरक्षा का भाव सब खत्म हो जाएगा। खुद भी अपनी अंदर की यात्रा करना स्टार्ट करिए, अपने बच्चों को भी अपने अंदर की यात्रा करना सिखाइए। क्योंकि नहीं तो आपके बच्चे भी आपकी तरह ही आखिर में पछताएंगे कि उन्होंने जीवन केवल धन संपत्ति इकट्ठा करने में इकट्ठा कर दिया, अपने लिए नहीं जी पाए। अंधी दौड़ में मत धकेलिए कि 100% लाना है, ये करना है, वो करना है, यही बनना है, वही बनना है, वो नहीं तो वो बन जाएगा, वो नहीं तो वो बन जाएगा, ये कुछ और बन जाएगा। तो क्रक्ष है कि अपने शरीर की तृष्णाओं को शांत करने के अलावा आपको अपने अंतरात्मा का साक्षी होना है, अपने आप अंतरात्मा को खुद एक्सपीरियंस करना है, खुद अनुभव करना है, ध्यान के जरिए, योग के जरिए। इसके अलावा खुश होने का कोई तरीका नहीं है। चाहे आपको पूरा संसार थमा दिया जाए, पूरी पृथ्वी का मालिक बना दिया जाए, तब भी आप खुश नहीं हो पाओगे जब तक अपने अपने आप को अनुभव नहीं करोगे। धन्यवाद। बाकी अगले व्याख्यान में।